हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज वेरी फाइन। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं। इसमें हम नाउन सीख चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव्स कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं एडवर्ब्स की तरफ। तो चलो आज सीखेंगे कि एडवर्ब किसको कहते हैं, कौन होते हैं ये एडवर्ब, और क्या कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम कैसे देखें कि कौन से वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब है। तो चलो इनकी पहचान करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और पता करते हैं कि भाई ये एडवर्ब है कौन। तो चलो सीखना शुरू करते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। देखो अब क्या बताया इस सेंटेंस में कि एडवर्ब एक वर्ड है। कौन सा वर्ड है जो मॉडिफाई करता है मीनिंग को, किसके मीनिंग को, वर्ब के, एडजेक्टिव के या फिर किसी और एडवर्ब के। अब देखो जब हमने एडजेक्टिव पढ़ा था ना, तो एडजेक्टिव जो था वो किसको मॉडिफाई करता था, नाउन को और प्रोनाउन को, उसके अलावा किसी को नहीं करता था। ये एडवर्ब को भी करता है। समझ में आया? अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलो इसको हम वर्कशीट से सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। गर्ल रन्स क्विकली, गर्ल तेजी से भागती है। तो क्या तेजी से किया उसने, भागी। अच्छा चलो यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा वर्ब डिस्कस कर लेते हैं। पहले वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है जब कोई काम होता है जिसको क्रिया भी कहते हैं। क्रिया हिंदी में बोलते हैं ना क्रिया, वही इंग्लिश में होती है वर्ब, जब कोई काम हो रहा होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। अब अगर आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है तो वो जो स्वच्छता वाली गाड़ी आती है ना, जो गार्बेज लेकर जाती है, वो आ रही है, उसकी आवाज शायद सुनाई दे रही होगी। देखो सुनो, तो ये भी एक काम हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लीनिंग हो रही है ना। तो ये है वर्ब, जैसे क्लीनिंग, स्टडिंग, रीडिंग, राइटिंग, दीज आर ऑल वर्ब्स, या फिर रनिंग। अब रनिंग अगर वर्ब है तो क्विकली एडवर्ब है, यानी जब किसी काम के बारे में बताते हैं, मॉडिफाई करना यानी उसके बारे में बताना। जैसे एडजेक्टिव था, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता था, अच्छा बुरा पुराना नया जो भी था, उसी तरह से ये काम के बारे में बताएगा एडवर्ब। अगला सेंटेंस है, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। अब स्वीट है और वेरी है, तो यहाँ पर कौन एडवर्ब हो गया, वेरी, मीठा होना है ना, तो बहुत मीठा एडवर्ब क्या है, वेरी। उसके बाद आता है पीटर रीड्स क्वाइट क्लियरली, अब वो पढ़ता है कैसे, क्वाइट, ठीक है, और क्लियरली। इन दोनों को जो मॉडिफाई करता है वो क्या है, क्वाइट। तो पीटर रीड्स क्वाइट क्लियरली, इस तरह से वर्ब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव है क्लियरली और क्वाइट है एडवर्ब, रीड्स है वर्ब, पीटर है नाउन, रीड्स वर्ब है, क्लियरली एडजेक्टिव है और ये जो क्वाइट है ये एडवर्ब है। तो ये हमने थोड़े से, बहुत थोड़े से एग्जाम्पल्स देखे हैं। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हम स्टडी कर सकते हैं, तो चलो थोड़े से एग्जाम्पल्स और देखते हैं। ये है हमारा एडवर्ब जो कि सेंटर में बैठा है और इसके आसपास इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलो उनको वन बाय वन रीड करते हैं। जैसे नाइसली, सेल्डम, सॉफ्टली, नेवर, टू, मोस्टली, स्लोली, ऑलवेज, वेल, एग्जैक्टली, वेरी ऑफन, क्लियरली। अब ये सब जो हैं, जो हमने वर्ड्स देखे हैं, ये सभी वर्ड्स एडवर्ब्स हैं। ये कहीं ना कहीं वर्ब के साथ लगते हैं और या फिर एडजेक्टिव को और ज्यादा क्लियर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एक बार फिर से इनको रीड करते हैं। नाइसली, सेल्डम, सॉफ्टली, सॉफ्टली, नेवर, टू, मोस्टली, स्लोली, ऑलवेज, वेल, एग्जैक्टली, वेरी ऑफन, क्लियरली। तो ये सब क्या है,
एडवर्ब्स हैं। अब जब आप स्टडी करोगे ना, रीड करोगे, तो वहां पे समझ में आएगा कि अच्छा ये है एडवर्ब। तो हमने आज क्या स्टडी किया है, हमने आज एडवर्ब की डेफिनेशन देखी है और कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। अब इसको आगे फर्दर और पढ़ेंगे, और सीखेंगे, और एंजॉय करेंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने साथियों के साथ जिनको आप सिखाना चाहते हो उनके साथ, और कमेंट में बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है और क्या सीखना है वो भी लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, कर लीजिए। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।